सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन सहायता को और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए हर रोज लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग के अंदर से किसी पोस्ट या फिर किसी पेज को डिलीट कर देते हो तो उसके बाद उसे गूगल सर्च रिजल्ट के अंदर से कैसे हटाएं, यानी कि उसे गूगल सर्च रिजल्ट में आने से कैसे रोकें। अब देखिए, ये मेरा एक ब्लॉग है, इसके अंदर देखिए ये एक पोस्ट है हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग। ओके, अब जब भी मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो जाती है और जब हम इसे गूगल में सर्च करते हैं तो भी ये पोस्ट यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, और इसे मैं यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मैं इस पोस्ट को अपने ब्लॉग के अंदर से डिलीट कर देता हूँ, तो चलिए पहले मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने इस पोस्ट को अपने ब्लॉग के अंदर से डिलीट कर दिया है। ओके, तो चलिए हम इसे दोबारा से यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको 404 एरर दिखाई देगा क्योंकि ये जो पोस्ट है ये हमारे ब्लॉग में अब नहीं है, हमने इसको डिलीट कर दिया है। अब चलिए हम गूगल में भी इसे दोबारा से सर्च करके देखते हैं। तो देखिए, ये जो पोस्ट है ये अभी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए मैं इसे यहाँ से ओपन करता हूँ इसको। तो जब हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो हमारी वेबसाइट में 404 एरर आ जाता है। तो अब हम इस वेबसाइट को गूगल सर्च रिजल्ट से कैसे हटाएं, क्योंकि हमने इसे भी अपने ब्लॉग से तो डिलीट कर दिया है तो हमें इसको यहाँ से भी हटाना जरूरी है। अब देखिए, इसको यहाँ से हटाना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि आपकी वेबसाइट की इस तरह की पोस्ट जो कि आपने डिलीट कर दी है वो गूगल सर्च रिजल्ट में आती हैं और यदि कोई उन पे क्लिक करता है तो उनको 404 एरर दिखाई देगा, और यदि ऐसा बार बार होता है तो ये आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे होगा ये कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल रैंकिंग में पीछे जाने लगेगी और इससे आपका जो ट्रैफिक है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और यदि आपकी वेबसाइट के अंदर इस तरह से एक से ज्यादा पोस्ट या फिर पेज हैं जिनको आपने डिलीट कर दिया है और वो अभी भी गूगल सर्च रिजल्ट में शो हो रही हैं और उन पे ट्रैफिक जा रहा है, तो ऐसे में एडसेंस आपके वेबसाइट को ब्लॉक भी कर सकता है, यानी कि आपकी वेबसाइट पे एड आनी बंद भी हो सकती है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनको आपने डिलीट कर दिया है और वो अभी भी गूगल सर्च रिजल्ट में शो हो रही हैं। तो इसीलिए आपको ऐसे पोस्ट या फिर पेज को गूगल सर्च रिजल्ट में आने से रोकना होगा। अब चलिए देखते हैं कि उन पोस्ट या फिर पेज को जिनने हमने डिलीट कर दिया है उनको गूगल सर्च रिजल्ट में आने से कैसे रोका जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप गूगल सर्च काउंसिल को ओपन कर लीजिए। ओके, उसके बाद जितनी भी वेबसाइट आपने गूगल सर्च काउंसिल में ऐड कर रखी है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी। अब जिस वेबसाइट के अंदर से आपको URL हटाना है या फिर जिस वेबसाइट या फिर ब्लॉग के अंदर से आपने पोस्ट या फिर पेज डिलीट की है उस वेबसाइट पे आप क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गूगल इंडेक्स, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे तीन नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव URL, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टेम्परेरली हाइड, ओके, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको उस पोस्ट या फिर पेज का URL डालना होगा जिसको आप गूगल सर्च रिजल्ट से हटाना चाहते हैं। ओके, तो हमारे जो पोस्ट का URL है वो ये है, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट टाइप, तो यहां पे आपको ये फर्स्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गूगल सर्च रिजल्ट से आपका URL हटाने की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। ओके, उसका जो स्टेटस है वो ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग आ चुका है। अब आपको वेट करना होगा जब तक कि ये यहाँ से सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। ओके, तो आप वेट कीजिए, हो सकता है इसमें एक दिन भी लग जाए या फिर एक दो घंटे में भी ये हो सकता है। और देखिए, यदि आपको लगता है कि आपने ये गलती से URL यहाँ पे डाल दिया है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यदि आपने URL सही डाला है तो आप वेट कीजिए, जल्दी ही आपके URL को गूगल सर्च रिजल्ट से हटा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ से जितने चाहो उतने URL गूगल सर्च रिजल्ट से हटा सकते हो अपनी वेबसाइट के। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया है, उस वेबसाइट पे जाके आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए घंटी का आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही है, एक नए टॉपिक के नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।